जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जे एस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही डिटेल्स में समझने वाले हैं, यानी कि आपको टेंस में कुछ भी नहीं आता है तब भी अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। YouTube पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इसमें हमने बहुत डिटेल से समझाया हुआ है, अगर आप इसको बिल्कुल भी बिना स्किप किए देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा चार्ट हमारे पास में है, इसको हम बहुत ही डिटेल्स में समझेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान काल। अब इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है कि क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ती हो, ते हो और ती हैं आदि शब्द आते हैं, तो हम उसको पहचान जाएंगे कि भाई ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए। वह तस्वीरें खींचता है, अब इसके लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या है, ता है, इसका मतलब क्या है कि ये सामान्य वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राधा नाचती है, तो यहाँ पर क्या आया, ती है, इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसी प्रकार से राम जाता है, ठीक है। चलिए अब इनको यदि हमें अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, भाई टेंस क्या होते हैं, इनको हमें अंग्रेजी में बनाना है, ठीक है। तो इनकी हम अंग्रेजी लिखेंगे तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है देखिए, इसका बेसिक स्ट्रक्चर निम्न प्रकार है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है इसका फार्मूला। अब यहाँ पर हमें बनाना है इसकी अंग्रेजी। तो जैसे देखिए, वह तस्वीरें खींचता है, वह तस्वीरें खींचता है, तो वह क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर वह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं, तो यहाँ पर हमने ही लिख दिया, ठीक है, ये सब्जेक्ट आ गया। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर खींचना ये क्या है, क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, तो यहाँ पर खींचने क्या बोला, टेक, ठीक है। और इसमें हमें एस या ई एस लगाना था, तो ये हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एस लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ही टेक्स, क्या खींच रहा है, पिक्चर खींच रहा है, तो तस्वीरों को हम क्या बोलते हैं, पिक्चर बोलते हैं, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने ये एस लगा दिया और ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया, ठीक है। इसके बाद में दूसरा हमारा क्या था, राधा नाचती है, तो इसका भी हम अंग्रेजी बनाते हैं। तो देखिए, राधा नाचती है, तो राधा क्या है यहाँ पर, ये है सब्जेक्ट, ठीक है, राधा क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद में वो क्या कर रही है, नाच रही है, तो नाचना क्या होता है, ये क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया, नाचने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डांस। इसमें हमें क्या लगाना है, एस या ई एस, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एस लगा दिया, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि भाई हमें कब यहाँ पर एस लगाना है और कब ई एस लगाना है, तो चलिए अब हम इसको डिटेल्स में समझते हैं, फिर इसके बाद में हम कुछ और एग्जाम्पलों को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, क्रिया वर्ब के प्रथम रूप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाने के नियम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, इसको डिटेल्स में समझिएगा, बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जेड एस एक्स डबल एस सी एच और एस एच ओ से समाप्त होने वाली क्रियाओं को उनके अंत में हम ई एस लगाते हैं, ठीक है। अगर कोई क्रिया डबल एस से समाप्त होगी, सी एच से समाप्त होगी, और से समाप्त होगी, एस एच से, तो हम उसमें क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे, ठीक है, ई एस लगा देंगे उसके लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, जैसे किस, तो इसका क्या हो जाएगा, किसेस, इसमें हम ई एस लगा देंगे, ठीक है, तो ये किसेस हो जाएगा। यहाँ पर है फ्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लसेस। यहाँ पर स्क्रैच, तो यहाँ पर स्क्रैचेस, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, ब्लस, तो यहाँ पर ब्लसेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद में क्या है देखिए, क्रस, तो यहाँ पर क्रसेस। यहाँ पर पुश है, तो यहाँ पर पुशेस। देखिए इन्हीं में से है और हमें इसमें क्या लगा रहे हैं, ई एस लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया ई एस लगाने का, अब एस हमें कब लगाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और नियम हमने ऐड किया है, तो देखिए, जब कोई क्रिया वाय से समाप्त होती है, जब कोई क्रिया वाय से समाप्त होती है और उसके ठीक पहले कोई व्यंजक होता है, तो हम वाय को आई में बदलकर ई एस जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, ट्राई, यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, वाय को क्या कर देंगे, आई बना देंगे और ई एस लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइस। इसके बाद में यहाँ पर क्या है देखिए, फ्राई,
तो हम इसमें क्या करेंगे, y को हटाकर IES लगा देंगे, मतलब y को I में बदल देंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर है कैरी, तो यहाँ पर कैरीज, ठीक है, y को हमने क्या कर दिया, IES बना दिया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्राई, तो इसमें हमने क्या कर दिया, क्राइस, CRIES, मतलब y को हमने I में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया ES लगाने के नियम। चलिए अब देखते हैं कि S हमें कब लगाना है, ठीक है। अब देखिए बाकी सभी क्रियाओं के अंत में हम S लगाते हैं, ठीक है। बस आपको यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखना है, मतलब हमें ES कब लगाना है और IES कब लगाना है, ठीक है। ये हमने ध्यान रख लेंगे, बाकी जितने भी बचे हुए होंगे उनमें हम क्या कर देंगे, S लगा देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए लाइक, तो लाइक्स, ड्रॉ, ड्रॉस, हेल्प, हेल्प्स, ठीक है। तो ये आप समझ गए। चलिए तो देखिए अभी हमने ये सीखा है कि कब हमें एस, ई एस या आई ई एस लगाना है, ठीक है, ये हम सीख चुके हैं। लेकिन कब हमें एस, ई एस और आई ई एस नहीं लगाना है, अब हम ये समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन होगा उसके साथ में हम क्या करेंगे, एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखिए आई, वी, यू, दे, मतलब जिनमें हमें बहुवचन की बात हो रही होगी वहाँ पर हम क्या करेंगे, एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए जिस इसका एक एग्जांपल देखिए, हमें एक घड़ी चाहिए, हमें एक घड़ी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो वी के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो वी नीड ए वॉच, हमने यहाँ पर कोई भी एस या ई एस नहीं लगाया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, आपको भारतीय खाना बहुत पसंद है, तो यहाँ पर देखिए आपको, मतलब सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के साथ में हमें कभी भी एस या एस नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पर तो यू लव इंडियन फूड, मतलब हमने यहाँ पर नहीं लगाया, ठीक है। तो ये हो गई एस या एस हमें कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, इसकी बात हो गई, ठीक है। चलिए अब हम सीखते हैं कि भाई कोई भी यदि हमें नेगेटिव वाक्य बनाना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उसका यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर, जैसे इसमें समझिए, यहां पर लिखा हुआ है हमें एक घड़ी चाहिए, तो यदि हम इसको नेगेटिव बनाएं, जैसे हमें एक घड़ी नहीं चाहिए, तो उसके लिए यहां पर क्या है, ये फार्मूला है, ठीक है। तो इसको हम यहां पर समझते हैं, ठीक। तो सबसे पहले ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है, कोई भी देखिए ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा जिसमें एक वचन की बात होगी, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डज नॉट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये डू नॉट और डज नॉट की बात हो रही है ना, तो अगर कोई सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा यानी कि एक वचन होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, डज नॉट लगाएंगे, और अगर बहुवचन होगा तो वहाँ पर हम डू नॉट लगाएंगे, ठीक है, उसको हम आगे समझेंगे। यहाँ पर देखिए इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उसे इटालियन खाना पसंद नहीं है, तो यहाँ पर देखिए उसे, मतलब सी, ठीक है, सी डज नॉट, यहाँ पर देखिए सी के साथ में हमें क्या लगाना है, डज नॉट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा दिया डज नॉट, सी डज नॉट लाइक इटालियन फूड, ठीक है, समझ गए। एक और एग्जांपल देखिए, वह आप पर भरोसा नहीं करता, वह आप पर भरोसा नहीं करता, तो देखिए वह, ये क्या है, ही है, तो ही क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर इसके साथ में क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा, ठीक है। तो ही डज नॉट ट्रस्ट यू, वह आप पर भरोसा नहीं करता, ही डज नॉट ट्रस्ट यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी हमने समझा कि डज नॉट हमें कब लगाना है, अब हम समझेंगे कि डू नॉट हमें कब लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब कोई बहुवचन होगा, ठीक है, जैसे कि आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे, और उसके बाद क्रिया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर सब्जेक्ट कोई भी बहुवचन होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम डू नॉट लगाएंगे, ठीक है। इसके उदाहरण देख लीजिए, मैं अकेले यात्रा नहीं करता, मैं यानी आई है, ठीक है, तो मैं डू नॉट, ठीक है, तो यहां पर डू नॉट लगा दिया, आई डू नॉट ट्रेवल एलोन, मैं अकेले यात्रा नहीं करता, आई डू नॉट ट्रेवल एलोन। अगला देखते हैं, वे कॉफी नहीं पीते हैं, ठीक है, वे, तो यहां पर देखिए दे क्या है, ये एक बहुवचन है, ठीक है, तो वे कॉफ़ी नहीं पीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वे यानी दे डू नॉट ड्रिंक कॉफ़ी, ठीक है, दे डू नॉट ड्रिंक कॉफ़ी, चलिए इसको आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए अब हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, मतलब प्रश्नवाचक अगर हमें बनाना है, जैसे कि इसमें समझिए, जैसे वे कॉफ़ी नहीं पीते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि वे कॉफ़ी क्यों पीते हैं या वे कॉफ़ी क्यों नहीं पीते हैं, ठीक है। तो हमें इस टाइप के वाक्य बनाना सीखेंगे। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, डू नॉट या डज नॉट प्लस एस
प्लस सब्जेक्ट एस, या क्या है एस जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको एस या ई एस वाला मत समझिएगा, ये क्या है सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं, कब हमें डू नॉट लगाना है और कब हमें डज नॉट लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले डज और उसके बाद ही सी इट या सिंगुलर नाउन को हम लगाएंगे। जैसे कि सीधी सी बात है, अगर डज लगा होगा तो डज आगे आ जाएगा, डू लगा होगा तो डू आगे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव वाक्य नहीं होंगे वहाँ पर तो डू या डज लगा नहीं होगा, तो वहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे ही सी इट और कोई भी सिंगुलर नाउन, मतलब कि जहाँ पर एक वचन की बात होगी वहाँ पर हम क्या लगाएंगे डज लगाएंगे, ठीक है। और जहाँ पर बहुवचन की बात होगी वहाँ पर हम क्या लगाएंगे डू लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। देखिए क्या वह दोपहर में सोता है, क्या वह दोपहर में सोता है, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर वह क्या है, वह जो है वो एक सिंगुलर है, तो हमने क्या प्रयोग किया है डज का प्रयोग किया है, सिंगुलर में हमें डज का प्रयोग करना है, तो डज ही स्लीप इन द आफ्टरनून, ठीक है। डज ही स्लीप इन द आफ्टरनून, तो डज को हमने पहले लगा दिया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर फिर से सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है यानी वह है, तो यहाँ पर डज सी, यहाँ पर लड़की की बात हो रही है, अखबार पढ़ती है, ठीक है। क्या वह अंग्रेजी अखबार पढ़ती है, तो लड़की है तो वहाँ पर सी लगेगा, ठीक है। तो ये एक सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डज सी रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। चलिए इसको आप समझ गए होंगे। चलिए अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट करिए, हम आपके डाउट को ज़रूर से क्लियर कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हमें डू कब लगाना है, अभी हमने डस को सीखा है, अब हम डू कब लगाएंगे, तो सबसे पहले डू और उसके बाद आई वी यू दे या कोई भी प्लूरल नाउन हो, ठीक है। डू हम तब लगाएंगे जब बहुवचन की बात होगी, ठीक है। एक वचन के लिए डस लगाएंगे, बहुवचन के लिए क्या लगाएंगे डू लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आई वी यू दे या प्लूरल नाउन और उसके बाद क्रिया वर्ब का प्रथम रूप यानी कि फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं। इसका कुछ उदाहरण देख लीजिए, क्या वे सब्जियों को उबालते हैं, क्या वे सब्जियों को उबालते हैं। अब वे जो है क्या है कि ये बहुवचन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा डू, वे को हमने क्या लिख दिया दे बॉयल द वेजिटेबल्स, ठीक है। डू दे बॉयल द वेजिटेबल्स, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्या आप सच्चाई जानते हैं, आप यानी कि यू, यू क्या है एक प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डू यू नो द ट्रूथ, डू यू नो द ट्रूथ, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब प्रश्नवाचक चिन्ह और अलग प्रकार के भी बनते हैं, ठीक है। जैसे कि व्हाट वे एक्सेट्रा, मतलब प्रश्नवाचक कोई भी यहाँ पर हो सकता है, प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसको समझना थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, लेकिन अभी हम आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले व्हाट वे हाउ एक्सेट्रा, मतलब इनमें से कोई भी प्रश्नवाचक शब्द होगा वो सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद डज और उसके बाद ही सी इट या सिंगुलर नाउन और उसके बाद क्रिया वर्ब का प्रथम रूप हम लगाते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी सिंगुलर वाक्य होगा, ठीक है, सिंगुलर वाक्य होगा तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे इसको लगाएंगे, मतलब कोई भी जो प्रश्नवाचक चीज़ होगी उसको लगाएंगे, उसके बाद में देखिए सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे, अगर प्लूरल होगा तो वहाँ पर डू लगाएंगे, ठीक है। ये नियम पहले जैसा ही है, उसके बाद में सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो जाएगा सिंगुलर, उसके बाद में क्रिया का प्रथम रूप हमें लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए उसे क्या पसंद है, उसे क्या पसंद है, मतलब उसे, मतलब क्या है एक व्यक्ति की बात हो रही है, मतलब सिंगल है, ठीक है, सिंगुलर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा व्हाट, ठीक है। क्या यानी होता है व्हाट डज सी लाइक, उसे क्या पसंद है व्हाट डज सी लाइक, ठीक है, सी लाइक। चलिए इसके बाद में देखिए अगला हमारा क्या है, वह क्या सोचता है, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी व्हाट, व्हाट को हमने क्या लिख दिया, ठीक है, क्या को मतलब व्हाट लिख दिया है, और यहाँ पर देखिए वह क्या है एक सिंगुलर है, तो इसके साथ में क्या लगेगा डज लगेगा, सॉरी यहाँ पर क्या है हमने गलती हो गई है, यहाँ पर डू की जगह क्या आएगा डज आएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा डज, ठीक है। व्हाट डज ही थिंक, ठीक है, ही यानी वह, ठीक है, व्हाट डज ही थिंक, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, इसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक। चलिए अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अब हमें डू कब लगाना है, ठीक है, डज का आप समझ गए, अब डू कब लगाना है, तो सबसे पहले ये वाला जो कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा, उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद डू और उसके बाद आई वी यू दे या इनमें से कोई भी
प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ में हम क्या कर देंगे, क्रिया का प्रथम रूप लगा देंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, डू लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाउ डू आई लुक, हाउ हाउ हो गया। ठीक है, आई है तो इसके साथ में क्या लगेगा, डू लगेगा। ठीक है, हाउ डू आई लुक। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, तुम कैसे कर लेते हो, तुम कैसे कर लेते हो, हाउ डू यू मैनेज, हाउ डू यू मैनेज। तो यहाँ पर क्या है, एक बहुवचन की बात हो रही है तो यहाँ पर डू लगेगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अंग्रेजी हम कैसे बनाते हैं। अगर समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चाहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।